सूरत शहर में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत करवामां आवी छे। जेमां सूरत सिविल हॉस्पिटल खाते 100 कोरोना वॉरियर्स ने कोरोना वैक्सीन आपवानी शुरुआत करवामां आवी छे। प्रथम 100 में समावेश थयेला कोरोना वॉरियर्स ए कोरोना वैक्सीन नो आनंद व्यक्त कर्यो हतो। वैक्सीन लेनारा केटलाक वॉरियर्स 5 वर्षे तो केटलाक 15 वर्षे इंजेक्शन लई रह्या छे। सिविल में कोरोना की रसी नो प्रारंभ करवामां आव्यो छे। जेमां सिविल ना 100 जेटला कोरोना वॉरियर्स ने वैक्सीन आपवानी शुरुआत कराई छे। जेमां सिविल में लिफ्टमैन तरीके काम करता किशन अरविंदचंद राठौर ने वैक्सीनेशन डोज आपवामां आव्यो छे। तेमणे जणाव्यु हतुं के कॉन्ट्राक्ट कर्मचारी छू, मारा परिवार में पत्नी, बे बाळको अने माता छे। घर में एक नो एक कमाव पुरुष छू। छेल्ला 15 वर्ष में प्रथम वार इंजेक्शन लई रह्यो छू अने ए पण कोरोना वॉरियर वैक्सीन नो। साहेब, मने खूब आनंद थाय छे के प्रथम 100मी यादी में प्रथम राउंड में ज मारी पसंदगी थई छे। तदुपरांत बमरोली रोड देवेंद्र नगर में रहते 28 वर्षीय आकाश सुरेशभाई गोयले जणाव्यु हतुं के मने खूब ज आनंद छे के हुं सूरत सिविल हॉस्पिटल में शुरू थयेला कोरोना वैक्सीन नी पहली रसी माटे पसंदगी पाम्यो छुं। मैं कोविड-19 में पण नौकरी करी छे। छेल्ला 10 वर्षथी सिविल हॉस्पिटल में लिफ्टमैन तरीके कॉन्ट्राक्ट कर्मचारी तरीके काम करू छुं। छेल्ला 5 वर्ष में पहलू इंजेक्शन लउं छुं। मारा परिवार में मारा करता मोटी बहन, एक नानो भाई छे। अमे माता पिता साथे रहीए छे। मारा पिता एम्ब्रॉयडरी में काम करे छे। मारा बाद तमाम लोको आ वैक्सीनेशन लई कोरोना सामे लड़ता पर देश ने मददरूप थाय तेवी आशा राखू छुं। तथा अलथाण भीमरा रोड पर रहता 52 वर्षीय भावनाबेन एम वडोदरिया सूरत सिविल हॉस्पिटलमां 29 वर्षथी नर्सिंग साथे जोड़ायेला छे। तेमणे कह्युं के 15 वर्षमां पहली वार कोई इंजेक्शन लई रह्यो छुं अने ए पण कोरोना वेक्सिननुं, जेनो मने आनंद छे। वेक्सिन लेवी जोईए अने कोरोनाने भगाड़वो जोईए, ज मारो संदेशो छे। प्रथम राउंडमां ज मारी पसंदगी थई एनो मने गौरव छे। सिविल हॉस्पिटल पेथोलॉजी लैब असिस्टंट डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राहुले मोदीए जणाव्युं छे के 16 वर्षथी सिविलमां कायमी कर्मचारी तरीके जवाबदारी निभावी रह्यो छुं। 10 वर्षमां प्रथम इंजेक्शन લઈશ, એ પણ કોરોના વેક્સિનનો, મને એનો ગૌરવ છે। મોદી સાહેબ વિશ્વના પ્રથમ વડાપ્રધાન છે જેઓ સ્વદેશી વેક્સિનને લઈને આટલા ઉત્સાહી છે। આજનો દિવસ ભારત માટે પર્વનો દિવસ કહેવાશે। ડોક્ટર મોહમ્મદ ઇલિયાસ એક પ્રોફેસર હેડ ફોરેન્સિક મેડિસિન ટોક્સિકોલોજી સ્મિયર મેડિકલ કોલેજ અને આજે ઇન્ચાર્જ મેડિકલ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ છું। આજે જે તમે પ્રથમ રસી લીધી છે તો તમે શું કહેશો એના માટે? આ રસી લેવાનું કારણ એક છે, આપણે મુખ્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રીજીએ જો આપણે વેક્સિન ડ્રાઈવ શરૂ કરી છે એમાં મને એક મદદરૂપ હિસ્સો બનવા માંગતો હતો કે લોકોને આ જાગૃતતા થાય કે આગળ વધે અને વેક્સિન લેવા આવે। આ વેક્સિન લીધા પછી અત્યાર સુધીમાં તમને કોઈ અસર? મને કોઈ અસર નથી થતી, એ નોર્મલ છે, નોર્મલ રહે। અત્યારે જે આખા ભારત દેશમાં જે અફવા થઈ રહી છે કે રસી લેવાથી આ અસર થશે કે આ વસ્તુ થશે, તો તેના વિશે શું કહેશો? આ એક દવા છે, એનાથી ટીકો છે, એનાથી કોઈ અડચણ નહીં થવાની છે। આપણે બોડીમાં ઇમ્યુનિટી વધશે, એનાથી ડિઝીઝ